हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन कबीर कुक्स एंड लाइफस्टाइल। तो कबीर कुक्स एंड लाइफस्टाइल में आज हमने बनाई है परवल की सब्जी, जो बनाना बेहद ही आसान है। बहुत ही स्वादिष्ट डिलीशियस ये सब्जी बनी है, जिसे बड़े तो बड़े बच्चों ने भी बहुत ही खुशी से खाया है। तो अगर आपको भी ये सब्जी बनाना सीखना है तो चलिए मेरे साथ। और इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने लिए है 250 ग्राम परवल, और इन परवल को मैंने अच्छे से धो लिया है, जो कि बारिश का सीजन चल रहा है तो सब्जी भाजी जो भी हम लाते हैं बहुत ही अच्छे से हमें इसे साफ़ करना होती है। और अब मैंने इनके ऊपर और नीचे का पार्ट जो है वो कट कर लिया है। इसको कट करने के बाद हमें परवल को 4 टुकड़ों में इस तरीके से काट लेना है। आप चाहें तो और भी बारीक इसके टुकड़े कर सकती हैं। मैंने इस तरीके से इसे 4 टुकड़ों में काट लिया है। कुछ परवल जो होते हैं वो थोड़े से पुराने होने के बाद उनके बीज जो होते हैं थोड़े से हल्के से कड़क हो जाते हैं, और ये देखिए उन्हीं में से एक प्रकार का ये परवल है। तो हमें क्या करना है, इसके बीज को अंदर से निकाल के अलग कर देना है, नहीं तो बच्चों को एक और मौका मिल जाएगा ये सब्जी ना खाने का। तो क्योंकि हमें तो बच्चों को ही खिलानी है, तो उन्हीं के अनुसार हम ये सब्जी बनाने वाले हैं। तो देखिए इस तरीके से सारे मैंने जो परवल है कट कर लिए हैं, और परवल कट होने के बाद हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम ऑन करेंगे, और उस पर ये लोहे की मैंने कढ़ाई ली है। आप लोहे की कढ़ाई का ही अगर यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा कंपेयर टू नॉनस्टिक या एल्युमिनियम की, जो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। तो 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल गर्म कर लेंगे, आप चाहें तो दूसरा कोई कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, और 2 बड़े प्याज का पेस्ट बना के मैंने इसमें डाल दिया है। ये डालने के बाद अब हम इसको करीब सेकेंगे 3 मिनट तक, स्लो टू मीडियम फ्लेम करते हुए हमें इसे सेकना है। तो बस इस तरीके से सेकते रहिए आप, और जब तक प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें इसे सेकना है। तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है, और अब हमने इसमें डाल दी है टमाटर की प्यूरी। 2 टमाटर की मैंने प्यूरी ली थी, इसी पे हम 2 मिनट तक सेकेंगे मीडियम फ्लेम पे, और इस तरीके से चलाते हुए आप सेक। टमाटो प्यूरी जब अच्छे से सिक जाए 2 मिनट बाद, तो हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे इसमें सिका हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे इसमें सिकी हुई सौंफ का पाउडर, और सारे ही मसालों को डाल के हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, और इसे करीब स्लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें 2 मिनट तक अच्छे से सेकना है। तो बस इतने ही मसालों को हमने इसमें इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो और भी मसाले इसमें ऐड कर सकती, लाइक गरम मसाला और भी मसाले। तो देखिए कढ़ाई ने तेल छोड़ दिया है, मतलब हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं, और अब मैंने इसमें डाल दिए कटे हुए परवल, और कटे हुए परवल डालने के बाद हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों के साथ। तो गाइस बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी है ये। मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है, और ये डाल दिया मैंने इसमें 1/2 कप पानी, और ये सब डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, खूब अच्छे से इसको चलाइए। और 1 मिनट तक चलाने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको ढक देना है, और ढकने के बाद हम इसे 10 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे, और बीच बीच में हम इसको 2 या 3 बार खोल के चलाते रहेंगे, जिससे कि जो सब्जी है वो नीचे तले हुए चिपके नहीं, वो पूरी सब्जी अच्छे से एक साथ पक सके। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने जब 3-4 मिनट हो गए तो उसके बाद ढक्कन खोल के देखा, तो ऐसी हमारी सब्जी हो गई थी। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बस झटपट सी सब्जी तैयार हो जाए तो फटाफट बच्चों को खिलाऊं और फिर मैं भी खाऊं। तो ये देखिए सब्जी जो है वो मैंने चला के फिर से इसको ढक दिया है, और फिर से इसको पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट और पकाएंगे, और देखिए हो गई है हमारी परवल की यमी डिलीशियस ये सब्जी तैयार। और एक मैं परवल आपको दिखा देती हूँ कि ये पक्के किस तरीके का हो गया है, और ये देखिए लग रही है ना न्यू डिलीशियस। ये देखिए परवल दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ऐसे जब हम इसको चम्मच से दबाएंगे तो ये इस तरीके से कट जाएगा, मतलब हमारी परवल की सब्जी तैयार है। 10 मिनट तक मैंने इसको पकाई है बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाया है, और अब इसमें डाल देंगे सब्जियों के राजा धनिया को। धनिया डालने के बाद हम इसको अच्छे से चला लेंगे और निकाल लेंगे बर्तन में। तो तैयार है हमारी यमी डिलीशियस परवल की सब्जी, बिल्कुल आप इसको ट्राई करें अपने घर में। कबीर कुक्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।